क्या आप भी घर पे परफेक्ट मोमोज की रेसिपी चाहते हैं? बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बहुत ही टेस्टी से स्टफिंग के साथ, परफेक्ट शीट के साथ और बहुत ही स्वादिष्ट से चटनी के साथ मोमोज बना सकते हैं, स्ट्रीट फूड से भी ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए, मोमोज के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। हर मोड़, हर नुक्कड़, हर गली में मोमोज इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर कि आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन परफेक्ट मोमोज, परफेक्ट टेस्ट शीट और बहुत ही आसानी से बनने वाले घर में आपको मोमोज की रेसिपी मिलेगी रीना किचन पॉइंट में। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोमोज की रेसिपी, जिसमें आपको मोमोज की चटनी सिखाई जाएगी, मोमोज की परफेक्ट शीट बनाने सिखाई जाएगी और मोमोज की परफेक्ट स्टफिंग। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और जल्दी से दिखाते हैं आपको स्ट्रीट फूड मोमोज की रेसिपी घर पे। आइए तो शुरू करते हैं मोमोज बनाना। और उसके लिए सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं चटनी सी, क्योंकि सब कुछ हम मिक्सअप करेंगे तो समय की बचत करते हुए पहले स्टार्टिंग में हम चटनी के लिए लाल सूखी जो मिर्च होती है कश्मीरी, वो यहाँ पर ले ली है। कश्मीरी की सूखी आपको लाल कोई भी मिर्च मिल जाती है तो उससे चटनी बहुत आसानी से बन सकती है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गर्म पानी, क्योंकि हमें इन मिर्च को पहले भीगने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। इसके अंदर हम इसे ढक देते हैं, रख देते हैं साइड में। अब मोमोज के स्टफिंग के लिए कुछ सब्जियां ले लेते हैं, जिसमें कि है सबसे पहले पत्ता गोभी। तो हमने यहाँ पे आधी पत्ता गोभी यूज़ की है, इसका डंठल हटा देंगे और उसके बाद हम इसे रफली ही कट करेंगे। तो पत्ता गोभी के अंदर जो ये मोटा वाला पार्ट होता है ना, इसको हमें यूज़ नहीं करना है, इसको हम अलग निकाल देंगे साइड में और बस जो ये पत्ते होते हैं पत्ता गोभी का, इनका यूज़ करेंगे। और अब हम यहाँ पे ले लेंगे चॉपर। तो चॉपर ज़्यादातर आज के टाइम में सभी घरों में होता ही होता है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। बहुत आसान हो जाता है चॉपर के साथ कोई भी स्टफिंग की चीज़ को महीन और बारीक कट करना। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा हमें खाली छोड़ना है जिससे कि आराम से जो पत्ता गोभी है वो घूम सके। इस तरीके से लगा देंगे और बस आपको ये देखिए चॉप हो चुका है, महीन हमें बारीक ही चॉप करना है पत्ता गोभी को। देखिएगा कुछ इस तरीके से। अगर ये आप पे चॉपर नहीं है तो आप यहाँ पे कद्दूकस का भी यूज कर सकते हैं। और बस सभी गोभी को मैं सेम इसी तरह एकदम महीन चॉप कर लूंगी। यहाँ पे मैं गाजर ले रही हूँ, जिसे मैंने अच्छे धो के क्लीन कर लिया है और इसको भी हम चॉपर के अंदर कट करेंगे। आधी पत्ता गोभी के साथ यहाँ पे हमने दो गाजर ली है। इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। तो गाजर भी एकदम महीन जो है अच्छे से चॉप हो गई है, जिसमें पत्ता गोभी है उसी के साथ कर देती हूँ दो बारीक कटी हुई प्याज। साथ में हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां और इन दोनों चीजों को हम वापस से चॉप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लहसुन और प्याज भी बारीक चॉप हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर आ गई हमारी महीन प्याज। हमने सब्जियाँ चॉप करी हुई हैं, उनके अंदर हमें डाल देना है नमक, लगभग आधी छोटी चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक इसलिए डालना है जिससे कि जो भी सब्जी के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी जो है सब्जी छोड़ दे और हम सब्जी को अच्छे से निचोड़ के ड्राई कर सकें। सब्जियों को 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ेंगे जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकल जाए। लेकिन इतनी ही देर में हम जो है मोमोज की चटनी तैयार कर देते हैं। ढक के रख देते हैं साइड और चेक कर लेते हैं जो हमने चटनी के लिए मिर्च भिगाई थी। तो ये जो भीगी हुई फूली हुई मिर्च हैं, ये हम सभी मिर्च मिक्सी के जार में यहाँ पर इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। टमाटर, तो मैंने जो टमाटर लिए हैं कच्चे लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं। वैसे ज़्यादातर क्या होता है मार्केट में, जब भी चटनी बनती है मोमोज की तो उसके लिए टमाटर को बॉईल कर लिया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर घर में कच्ची ही इसके टमाटर के साथ ही चटनी बनाऊंगी और देखिएगा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होगी। तो चलिए, यहाँ पर हमने इसमें 4 टमाटर भी डाल दिए हैं। इसके साथ हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काली मिर्च। तो लगभग 1 चम्मच के करीब भर के आपको इसमें काली मिर्च ऐड करनी है और बस इसको हम मिक्स करेंगे और पीस के एक स्मूथ जो हमें पेस्ट है इसका तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी चटनी पीस के तैयार है, इसे निकाल लेते हैं हम एक बाउल में। तो
तो आइए लगभग जो चटनी है पिस के तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आई है। चलिए तो इसमें तड़का दे देते हैं मोमोज की चटनी के लिए। डाल देते हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लगभग 2 चम्मच। जैसे तेल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसे कूट सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दर्जन का अदरक लहसुन का, जब आपको लगे कि अदरक लहसुन का हल्का सा कच्चापन निकल चुका है तो उसके बाद हम इसमें तुरंत ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर और लाल मिर्च पीस के रखी हुई है चटनी। चटनी इसमें ऐड होने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिस मिक्सी के जार में आपने चटनी पीसी है उसी में, जिससे कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएं। पानी ऐड कर देते हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मोमोज़ की चटनी के अंदर सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार, किचन किंग मसाला लगभग 1 चम्मच। साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे सोया सॉस लगभग 1 चम्मच। इसके साथ ही हम डालेंगे विनेगर, ये भी लगभग 1 चम्मच। टमाटो केचप, ये लगभग हम 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। चटनी जो है, क्योंकि अभी आपको पतली दिखाई दे रही है, इसे हमें अच्छे से पकाना है। और यकीन मानिए बहुत ही स्वाद और टेस्टी जो है मोमोज की चटनी ये बनके तैयार होती है। चटनी को हम 5 से 6 मिनट का टाइम देते हैं पकने के लिए। क्योंकि मोमोज की चटनी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है, तो अभी से हम बाहर निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। और ये चटनी आप सिर्फ जो है मोमोज ही नहीं, पूड़ी पराठे किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। सेजवान से भी ज़्यादा आपको टेस्टी और स्वादिष्ट चटनी लगने वाली है। तो चलिए, इसे मैंने काफ़ी सारी बना लिया है जो कि और चीज़ों के साथ भी हम इंजॉय कर पाएंगे बाद में भी। तो इसे साइड रखते हैं और शुरू करते हैं मोमोज। आइए तो स्टफिंग चेक कर लेते हैं। हाथों को अच्छे से क्लीन करके इसके अंदर ये स्टफिंग हम इस तरीके से रख के प्रेस करेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी, देखिए कितना सारा पानी निकल रहा है, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इस बाउल में ही रह जाए और हमें सूखी हुई सब्जी दूसरे बाउल के अंदर डाल देंगे। तो देखिए जो हाथ में है इसमें जो है बिल्कुल भी मॉइस्चर या पानी नहीं है, तो इसको हम निकाल देंगे एक दूसरे बाउल के अंदर, देखिए इस तरीके से। यहाँ पे जो सारी सब्जी हैं, सभी सब्जियाँ एकदम ड्राई हो गई हैं और इसके अंदर से इतना सारा जो है पानी निकला है। आप चाहें तो इस पानी को छान के डो तैयार करेंगे मोमोज के लिए, उस डो में भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी आप इसका सूप वगैरह बना के भी पी सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक जो है यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर इसके साथ ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया, जो के अंदर हम डाल देते हैं मसाले। तो मैं यहाँ सबसे पहले डालने वाली हूँ नमक, तो नमक को इसमें ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। साथ में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच मेल्टेड बटर। बटर जो है मोमोज की स्टफिंग को बहुत ही अच्छा एक टेस्ट देता है, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर मोमोज बना रहे हैं घर में तो उसमें आप बटर ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मोमोज़ की चटनी जो हम अभी बना रहे हैं गैस पे है, तो उसमें से मैंने यहाँ पे लिए लगभग 2 चम्मच मोमोज़ की चटनी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स अप कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारी मोमोज़ की स्टफिंग ना बहुत ही अच्छी और टेस्टी सी बन के तैयार है। बटर की वजह से इसमें बहुत अच्छी चिकनाहट आ गई है, बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो गया है। यकीन मानिए मार्केट से ज़्यादा टेस्टी मोमोज लगेंगे जब आप मोमोज को घर पे खुद बनाएंगे इस खास स्टफिंग और चटनी के साथ। मोमोज का आटा बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 बाउल मैदा ले रही हूँ, उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक थोड़ा सा और इसके अंदर डाल देंगे ऑयल 1 से 1.5 चम्मच। अब इसे मिक्स करने के बाद हल्का हल्का पानी डालते हुए थोड़ा सॉफ्ट आटा हमें लगाना है मोमोज के लिए, रोटी से थोड़ा हल्का आटा होना चाहिए। तो देखिए जो आटा है बहुत ही हमने सॉफ्ट लगाया है अभी,
तो इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप घी बटर ऑयल कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं स्पून में बटर है जो इसमें लगा देती हूँ, जिससे थोड़ा चिकना हो जाएगा और जो इसे आराम से आटे को डील करने में आसानी हो जाएगी। तो हल्का सा चिकना करना है बस आपको डो को, आटे को, और इस तरीके से मसलना है। बहुत अच्छे से चिकना हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया, परफेक्ट जैसे कि हमें मोमोज के लिए चाहिए उसी तरीके का परफेक्ट आटा हो गया। हाथ में भी देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके की बहुत ही छोटी छोटी सी जो हम लोइयाँ हैं वो बनाएंगे। और यहाँ पे हम एक प्लेट ले लेते हैं, इसके अंदर जो हमने ये पेड़ियाँ तोड़ के रखी हुई हैं तो इनको इस तरीके से गोल करके रख लेंगे सबको। चलिए लोइयाँ तैयार हैं, अब आपको इसे बेल के दिखाते हैं हमें बेलना किस तरह है और स्टफ किस तरह से करना है मोमोज को। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लोई ले ली है जो कि हल्की सी हमने चिकनी कर ली है दोनों ही तरफ से, और इसको बेलेंगे। बेलते वक्त आपको बीच में प्रेशर रखना है। तो इस तरीके से जो एक मोमोज की शीट हमने यहाँ पर बेल ली है, मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब इसके अंदर हम स्टफिंग फिल करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बना के रखी है वो स्टफिंग इसके अंदर हम ऐसे ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम साइड में इसे इस तरीके से, जैसे जो साइड्स हैं आपको यहाँ दिख रही हैं मोमोज की, साइड को इस तरीके से प्रेस करना है ऐसे ऐसे साइड में आपको। इस तरीके से आपको जो है मोमोज को लॉक करना है। तो ये जो हमारा एक मोमोज है ये हमारा अच्छे से लॉक हो गया। देखिए शीट जो हमारी है पतली, हमें बीच में से इसलिए दबाते हुए बेलना है जिससे कि मोमोज की शीट थोड़ी पतली रहे। तो यहाँ पे ये मोमोज तैयार है। इसी तरीके से हम सभी मोमोज बनाकर रख लेते हैं और आपको दिखाएंगे। मोमोज हमने सारे बना के तैयार कर दिए हैं, देखिए अच्छे से इन्हें पैक कर दिया है, इस तरीके से हमें यहाँ लॉक करने हैं। तो सभी मोमोज तैयार हैं, चलिए इन्हें स्टीम करने की तैयारी करते हैं। स्टीम करने के लिए हमने स्टीमर गर्म होने के लिए रख दिया है पानी डाल के, और यहाँ पे जो प्लेट है जिसे स्टीम करते हैं इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो फिर आप जो है किसी भी पतीले के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के, पानी अंदर डाल के उसमें, और कोई भी जालीदार प्लेट या कुछ भी छन्नी वगैरह उसमें रख सकते हैं जो उसमें भीगे नहीं, डूबे नहीं, और उसके ऊपर आप उसे ढक के स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट को अच्छे से यहाँ पर ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें रख देते हैं जो हमने मोमोज जो हैं बना के तैयार करे हैं स्टीम होने के लिए। और इसके बाद हम ऊपर से भी इसे थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेंगे सभी मोमोज को। तो चलिए हमारे मोमोज स्टीम होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चलते हैं गैस की तरफ और रखते हैं इन्हें स्टीम के लिए। तो यहाँ पर स्टीमर में जो है पानी गर्म हो चुका है, और अब हमने जो यहाँ पर प्लेट तैयार की है मोमोज की वो यहाँ इसके अंदर हम ध्यान से रख देंगे कुछ इस तरीके से। लीड लगा देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 10 मिनट बाद चेक करेंगे मोमोज किस तरीके से तैयार हैं। हम चेक कर लेते हैं मोमोज को। देखिए तो 15 से 20 मिनट का था, आप 20 मिनट पे इसे अच्छे से चेक कर लीजिए। और एक बार और हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर जो है हल्का सा ग्रीस कर देंगे।
बटर से इसमें फ्लेवर भी और टेस्ट भी और शाइन भी बहुत अच्छी आती है मोमोज के अंदर। मोमोज अच्छे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट परफेक्ट मोमोज बनके तैयार है। तो आइए इसे प्लेट को निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए हमारे मोमोज ट्रांसपेरेंट बिल्कुल परफेक्ट मोमोज जो है हमारे बनके तैयार हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा गर्म है इसलिए मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। और अभी अभी हमने प्लेट पर जस्ट निकाली है, पर देखिए कितने ट्रांसपेरेंट एकदम परफेक्ट स्टफिंग परफेक्ट शीट परफेक्ट टेस्ट के साथ बहुत ही आसानी से बनने वाले घर में मोमोज की रेसिपी। तो चलिए यहाँ पे मोमोज निकाल लेते हैं स्टीमर प्लेट के ऊपर से और लगाते हैं प्लेटिंग और आपको दिखाते हैं मोमोज। तो देखिए मोमोज के लिए जो सर्व की जाती हैं ज़्यादातर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक मेयोनीज और एक मोमोज की रेड चटनी। बाकी तो आप मोमोज को और ग्रीन चटनी और बहुत अलग अलग तरीके की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए इंस्टेंट तुरंत बना के दिखाई है मोमोज की ये रेड चटनी जो कि बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस है और आप इसे आराम से एक बार बना सकते हैं और हफ्ते भर तक यानी कि पूरे 7 दिन पराठे पूड़ी सब्जी जिसके साथ सर्व करना चाहें कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और मोमोज की चटनी तो सभी जानते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी होती है। मेयोनीज और मोमोज की चटनी के बाद अब आते हैं मेन इंग्रेडिएंट जो कि है यहाँ पर मोमोज। तो देखिए आज हम आपके साथ जो मोमोज की रेसिपी शेयर कर रहे हैं ना, यकीन मानिए आप खुद भी इस मोमोज के फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही टेस्टी परफेक्ट शीट परफेक्ट टेस्ट के साथ हम आपके लिए लेके आए हैं मोमोज की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। तो ये तैयार है हमारे वेज मोमोज। तो दोस्तों मोमोज तो एक ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मोमोज को पसंद नहीं करता हो। मोमोज बहुत पॉपुलर स्ट्रीट फूड है, ख़ास तौर से इंडिया में आज के टाइम में मोमोज सबका फेवरेट है और मोमोज की चटनी उसकी जान है। मोमोज जितना इम्पॉर्टेंट है बनाना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोमोज की चटनी परफेक्ट बननी। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो मोमोज होते हैं अगर उसकी जो शीट है वो मोटी होती है यानी कि मैदा की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है तो मोमोज खाने में कभी भी मज़ा नहीं आता है। इसलिए अगर आप मोमोज बनाने जा रहे हैं या किसी शॉप में खाने जा रहे हैं तब भी आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मोमोज की शीट जितनी पतली होगी उतना ही आपको स्टफिंग में और चटनी में मज़ा आने वाला है। जी हाँ, मोमोज सिर्फ मोमोज कहने से ही नहीं परफेक्ट तरीके से बनाने से मोमोज बनते हैं, नहीं तो भारत या दुनिया के अंदर मोमोज आपको हर गली हर नुक्कड़ पे बहुत आसानी से बनता हुआ मिल जाएगा। लेकिन परफेक्ट और सही टेस्ट के साथ मोमोज जो बनता है वो किसी किसी का ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मोमोज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब जरूर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के लाइक बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो आइए मोमोज को हम खा के भी चेक कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको तोड़ के। ये देखिए परफेक्ट स्टफिंग के साथ परफेक्ट टेस्ट के साथ मोमोज की आसान रेसिपी वो भी घर पे।